पलामू जिले के पाटन प्रखंड के अंतर्गत पटना छतरपुर की भाजपा विधायक पुष्पा देवी ने ग्राम सतौवा में राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय और पाटन प्रखंड कार्यालय में कर्मचारी भवन की आधारशिला रखी, जिसकी कुल लागत 6,50,00,000 रुपए है। तो वहीं मौके पर विधायक पुष्पा देवी और पूर्व सांसद मनोज कुमार को ग्रामीणों के द्वारा ढोल मादन के साथ स्वागत किया गया, जहां पर विधायक ने विधिवत पूजा अर्चना की, नारियल फोड़कर योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं प्रखंड कार्यालय पाटन में सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद मनोज कुमार के द्वारा बताया गया कि पाटन छतरपुर में लगातार विधायक के द्वारा विकास योजनाओं की आधारशिला रखी जा रही है। आज पाटन प्रखंड कार्यालय में कर्मचारी भवन की आधारशिला रखी गई। रामाशीष कुमार की कि जो भी ठेकेदार है संवेदक है और आप अच्छे से ये बिल्डिंग का बनाने का काम करिएगा, ताकि यहाँ का जो अफसर लोग पद अधिकारी लोग रहेंगे वो लोग के सुविधा होगा रहने में। आज जाना पड़ता है, इन लोग के भी सोचना पड़ता है कि यहाँ से हम लोग का डाल्टनगंज जाना है। अगर यहाँ ये लोग रहते हैं तो यहाँ का जनता के और जो भी प्रखंड का काम होता है वो बहुत सुविधा होगा, सबके करवाने में भी। और जो भी काम होता है वीडियो साहब के कहना चाहती हूं कि हाँ ब्लॉक में जो कर्मचारी लोग हैं वो लोग पर थोड़ा सा आपको दबाव डालना होगा, अंकुश लगाना होगा, क्योंकि आप नए नए आए हैं। बहुत सा धांधली होता है, सुनने को मिलता है हम लोग का कि बहुत धांधली होता है, चाहे आवास हो, वृद्धा पेंशन हो या राशन कार्ड भी दिक्कत होता है गरीबों लोग का। तो ये आपको देखना होगा। और अभी संसद जी ने जो कहे वो सच बात है कि ये लोग के 1,000 रुपया मिलता है और 1,000 में ये लोग अपना घर परिवार छोड़ के और घर घर जो संसेवक लोग काम करते हैं घर घर घूम करके वो कोई भी नहीं करेगा। इन लोग का काम होता है घर घर घूमते हैं, फोटो खींचते हैं, जमा करते हैं, दिन भर ये लोग लगल रहते हैं। 1,000 रुपया मिलता है और 1,000 रुपया में भी इन लोग का जो यहाँ के अति है क्या कोऑर्डिनेटर वो मांग रहे हैं 35,000 रुपया। ये 35,000 रुपया हम लोग का दीजिएगा तो हम आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा के वीडियो साहब आपको देखना होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग सब जानते हैं। आज माननीय विधायक जी का यह दूसरा शिलान्यास कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से पूर्व सतहुआ पंचायत के ग्राम सतहुआ में स्कूल भवन का शिलान्यास किया गया, जिसकी लागत लगभग 50,00,000 रुपए है। और अभी इस प्रखंड के कर्मियों पदाधिकारियों के लिए बनने वाले आवास का
शिलान्यास किया गया, जिसकी लागत 1 करोड़ है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आज माननीय विधायक जी के नेतृत्व में छतरपुर विधानसभा में जिस प्रकार से विकास के कार्य हो रहे हैं, लगातार योजनाओं की स्वीकृति दिलाई जा रही है, शिलान्यास हो रहे हैं, निर्माण कार्य हो रहे हैं, लेकिन एक बात सच है कि काम बहुत हो रहा है, काम विकास का काम लगातार हो रहे हैं, लेकिन हम लोग दूसरे लोग के तरह जितना प्रचार प्रसार करना चाहिए झूठ सच बोलना चाहिए न हम लोग बोलते हैं, न हमारे कार्यकर्ता न पार्टी का नेता इसको बहुत प्रचारित करते हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हम यहां जो प्रमुख साथी लोग बैठे हुए हैं, आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सच बात है उसको हर प्लेटफॉर्म पर आपको रखना चाहिए। अभी उमेश जी बोल रहे थे, कुछ लोग सोशल मीडिया में तरह तरह के कमेंट करते हैं, आप उसको देखते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ के चुपचाप रह जाते हैं। जहां गलत बात आप देखते हैं उसका प्रतिकार होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। आप अगर कुछ नहीं बोलते हैं, उनकी बातों का खंडन नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है। क्योंकि आज सोशल मीडिया बहुत प्रभावशाली है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम लोग झारखंड राज्य में हैं, हम लोग छतरपुर विधानसभा पलामू का जो स्थिति है उससे भली भांति अवगत है कि आज सरकार का मंशा क्या है, किस विपरीत परिस्थिति में माननीय विधायक जी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो काम करते हैं, कर रहे हैं, कितना संघर्ष के बाद यहां विकास के काम माननीय विधायक जी के द्वारा लाया जाता है, वह हम लोग समझते हैं कि हर कदम पर कितना बाधा इस सरकार के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है। आज आप जो भी विकास के काम देखते हैं, यह सब केंद्र सरकार की योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का सोच है, चाहे आज वृद्धा पेंशन हो, आवास की बात हो, जल जीवन मिशन की बात हो, उज्ज्वला की बात हो, किसान सम्मान निधि देने की बात हो, सारा जो आम आदमी जो लाभान्वित है, सारी योजना केंद्र सरकार की योजना है। राज्य सरकार की कोई योजना नहीं है। कल पलामू में एक रोजगार मेला होने वाला है, माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, कैसा रोजगार मेला होगा? कोई आईटीआई ट्रेंड है, कोई इंजीनियर है, कोई ग्रेजुएट है, कोई डिप्लोमाधारी है, उसको कैसा रोजगार मिलेगा? 8,000, 10,000, 12,000 का आपको नौकरी दिया जाएगा। कहां? तो बंगलोर में, चेन्नई में, गुजरात में, पुणे में, जहां 10,000 में एक महीना खाना नहीं खा पाइएगा। तो लोगों को छलने का काम क्यों हो रहा है? यह सचेत और सावधान रहने की जरूरत है। यह रोजगार मेला नहीं, ये ठगने वाला, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला कल मेला लगने जा रहा है। तो इसलिए यह जो सरकार है हर मोर्चे पर विफल है। आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का आलम है, अभी वीडियो साहब यहां बैठे हुए हैं, आप नए नए यहां प्रभार में आए हैं, यहां कुछ आपके प्रधानमंत्री आवास के स्वयंसेवक है, इस संबंध में डीडीसी को भी बोले हुए हैं, आपके यहां एक कोऑर्डिनेटर है, क्या नाम है उसका, सीओ नाम करके,
दो दो साल का प्रोत्साहन राशि इन लोग का लंबित है। इन लोग का एक आवास पूर्ण होता है तो 1000 मिलता है, वो समय पर पूर्ण होता है। और आपका जो कोऑर्डिनेटर है एक एक स्वयं सेवक से 30,000 और 35,000 का डिमांड कर रहा है। इसलिए आप नए आए हैं, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने की जरूरत है। जो आदमी स्वयं सेवक है उसको 1 रुपए का मानदेय नहीं है, इसी पर उसका घर परिवार चलता है। तो यह जो भ्रष्टाचार का आलम है, हम लोग खुद बहुत बेचैन रहते हैं, बहुत जगह शिकायत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ प्रखंड में ही भ्रष्टाचार है, जिला से लेकर प्रदेश तक सब जगह यही आलम है। इसलिए यह सरकार से हम लोग बहुत उम्मीद भी नहीं करते हैं, खाली समय का इंतजार है। एक एक आदमी बेचैन है। अभी एक महिला नेत्री है।